हेलो दोस्तों दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल वन पॉइंट में। दोस्तों देखिए हम हैं उत्तर प्रदेश सरकार के उपक्रम यानी कि यूपीपीसीएल का ऑफिशियल साइट पे हैं। दोस्तों यूपीपीसीएल के साइट के ऑफिशियल साइट पे दोस्तों जो है यहाँ पे एक आया हुआ है अपडेट, आप यहाँ पर देख सकते हैं। 17 अंक मेंशन है, डेट भी मेंशन है, 02/04/2024 का दिया गया है, 30/06/2023 तक की स्थिति के अनुसार यहाँ बताया गया है। दोस्तों कि उपरोक्त विषय के मुख्य अभियंता उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के अपना के अनुसार देखिए 30/06/2024 की स्थिति को हेतु ये सूचना उपलब्ध कराया गया कि कितना जो है यहाँ पे आप यहाँ देख सकते हैं। अनुरोध है कि अवर अभियंता विद्युत एवं अवर अभियंता सिविल के लिए यहाँ पर दोस्तों जो है दिया गया है कि ईमेल के माध्यम से ये जो है RTI उपलब्ध कराया जाए, तो इन्होंने यहाँ पर उपलब्ध कराया है, आप नीचे देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो है आप लोग का विद्युत एवं यांत्रिक पदों के लिए टोटल 462 सीट हो गया। पहले जो दोस्तों यहाँ पे 300 समथिंग सीट था, अब दोस्तों 462 हो गया है, क्योंकि यहाँ पे जो है कर्मचारी की नीड है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सिविल का बात करते हैं तो 14 सीट है, ये आप देख सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ बात मेंशन की गई है कि उपयुक्त विषय पर उत्तर पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड हेतु सीधी भर्ती पदों पर चयन हेतु अधिसूचना यहाँ पे जारी किया गया है। उपयुक्त विषय पर कॉरपोरेशन पद संख्या इतना को पद को सम्मिलित करते हुए अद्यतन संशोधन अधिनियम प्रेषित की जाने की अपेक्षा की गई थी। उक्त संदर्भ में वांछित सूचना आपके स्तर अभी भी प्रतीक्षित है, यानी कि दोस्तों ये जो है मतलब कि अभी भी ये डिमांड है, अभी और भी सीट यहाँ पर इनक्रीज हो सकता है। अतः मुझे पुनः यह अनुरोध करने के लिए निर्देश हुआ कि उपरोक्त पदों पर प्रेषित अधियाचनों की संबंधित याचना तदनुसार अद्यतन एवं संशोधित याचना उपलब्ध करने का कष्ट करें। यानी कि ये जो है डिमांड किए हैं उत्तर प्रदेश कॉरपोरेशन, डिमांड किए हैं सर ही उतना जितना भी उनका कंपनी है सब्सिडरी, कि आप जो है एक फ्रेश अधियाचना यानी कि नोटिफिकेशन यहाँ पर जमा करें ताकि मैं इसको पब्लिश कर सकूं। दोस्तों ये जो है और भी यहाँ पे सीट इनक्रीज हो जा सकती है, लेकिन इन्होंने डिमांड किया है तो अब देखिए क्या होता है। यहाँ देख सकते हैं यही बात मेंशन किया हो गया है, ये सारे जितना भी है ये सारे प्रतिलिपि जो है उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन को यहाँ पे भेज दिया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इन पर जल्द ही यहाँ पर जो है कार्रवाई करने की बात की गई है। तो दोस्तों ये जो है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ज़बरदस्त रिक्रूटमेंट दोस्तों इस बार लगभग अगर हम बात करते हैं तो 400 सीट रहने वाला है, क्योंकि अभी लगभग 1.5-2 साल हो गया लेकिन अभी तक ये रिक्रूटमेंट अभी तक नहीं कराए हैं, जो कि हर साल होती थी रिक्रूटमेंट लेकिन अब ये नहीं कराए हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि अब जो है ये अगला मंथ में ये आ सकता है, यही उम्मीद कर सकते, क्योंकि अभी ऑफिशियल कोई अपडेट नहीं है, इसीलिए इस पे बात करना ज़्यादा उचित भी नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आप करता हूँ पसंद आए हुए, धन्यवाद।